अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम बशारत है और मेरे पास है सैमसंग A3 A320F/DS। ठीक है, ये देखिए मैं रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। A3, ठीक है, आपने नेट पे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस इसके बारे में देखी होंगी कि इसका अकाउंट्स जो है वो रिमूव किस तरह करते हैं, ईमेल रिमूव किस तरह करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो वीडियो ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देखते जाइएगा। स्टार्ट करता हूँ। ईमेल दी, पासवर्ड दिया मैंने वाईफाई का। ठीक है, कनेक्ट करके वाईफाई नेक्स्ट कर रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क चेक कर रहा, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, आप देखते जाए। आपने नेट पे काफ़ी इसके मतलब वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि ये किस तरह से, अगर आपने ईमेल नहीं पता तो किस तरह से आप इसको जो है ईमेल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो जितनी भी वीडियोस हैं मैंने भी देखी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप हार्ड रीसेट करने से पहले 10 दफ़ा सोच लीजिएगा। इसकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी बनाई हुई हैं इस मोबाइल की, तो आप इसको भी देख लें कि ये, अब ये देखें ये ईमेल आ गया, ईमेल पूछ रहा है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये कट कॉपी और सेलेक्ट ऑल लिखा आ रहा है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही होती है असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट की। मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो ये देखें सिर्फ मेरे मोबाइल में नहीं, ये अक्सर मोबाइलों में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ वो भी तरीका, आप देखिएगा। लेकिन उसमें भी ये देखिएगा क्या मैसेज आपको मिलेगा। यहाँ पे आप मैसेज देखते जाइएगा, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कुछ ये देखिए सेटिंग। ठीक है, ये ले, यहाँ पे लेआउट में भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ले, लेआउट में भी ये ले चेक कर ले। ये मैं स्टिल मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। ये ले, आपने इसकी वीडियोज़ काफ़ी देख चुके हैं। चले, कोई आपको समझ में आया तो मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा अबाउट कीबोर्ड में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिएगा ये टर्म एंड कंडीशन ओपन होनी चाहिए, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही है। सिलेक्शन हो रही है लेकिन ओपन नहीं हो रही है। चले, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मैं इसको बड़ा करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ किसी भी ऑप्शन को। ये देखिएगा, ये ले, अब ये यहाँ पे तीन एरो आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिखा आ रहा है, वेब सर्च। ये देखिएगा यहाँ पे वेब सर्च लिखा आ रहा है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे वेब सर्च लिखा रहा है, वेब सर्च करूँगा तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ये मैसेज आप नीचे देख रहे हैं। चलिए एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये क्लिक करता हूँ, इसको किसी एक को क्लिक कर लेता हूँ। ये ले, ये क्लिक किया, ये तीन एरो आ रहे हैं, तीन एरो को क्लिक करूंगा। वेब सर्च लिखा आ रहा है, वेब सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। नो, ये देखें ये मैसेज मिल रहा है मुझे। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखें मुझे अब तो वो क्लिक भी नहीं करने दे रहा। ये देखिएगा सर, वेब सर्च लिखा आ रहा है, वेब सर्च को क्लिक करूंगा, ये मैसेज मिल रहा मुझे। ठीक है, तो मेरे पास तो इसका ईमेल और पासवर्ड है, तो मैं अनलॉक कर लूँगा। लेकिन आप किस तरह अनलॉक करेंगे, ये कुछ मोबाइल ऐसे ही प्रॉब्लम करते हैं सैमसंग के, तो आप सोच समझ के कीजिएगा। मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अब मैं देखिएगा, मैं अपना ईमेल
और पासवर्ड दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने ये आपने आपके लिए बनाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।